हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, भारत से चाइना ने मांगी है माफी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। अब जीत गई इंडियन आर्मी। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। शुरू करते हैं। ये चाइना जो है ना, ये करता है वो, जैसे कहते हैं ना, इट टेस्ट्स द वाटर। वो देखने की कोशिश करता है मैं कितना आगे तक बोल सकता हूँ, और जब उसको लगता है कि अब ये बात बिगड़ रही है फिर पीछे हो जाएगा, फिर थोड़ा आगे निकलेगा। देखते हैं क्या बोला। आसानी से कुछ नहीं बोला नहीं, पर वो बड़ा चालू है। वो थोड़ा थोड़ा करके ना आप बढ़ता है। और अब जैसे लोग जमीन लेने के लिए पहले हल्का सा, फिर आधा मिलीमीटर करके ऐसे जमीन लेंगे ना, वो वैसे बोलने में और बाकी हरकतों में ये काम करता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अरुणाचल पर चीन को भारत ने ऐसा पटका कि अब चीन रो रहा और कह रहा कि भारत प्लीज शांत हो जाओ। दरअसल पीएम मोदी ने अरुणाचल का दौरा किया और उस दौरे के बाद चीन ने अरुणाचल पर अपना दावा ठोक दिया, जिसके बाद क्या था, भारत ने चीन का कॉलर पकड़ा और समझा दिया कि अरुणाचल से लेकर कश्मीर तक पूरा का पूरा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। इसके बाद भी चीन नहीं माना और उसके बाद फिर से अरुणाचल पर बयान दे डाला, जिसके विरोध में अमेरिका ने बयान देकर चीन को कह दिया कि भारत का ही अरुणाचल है और हमेशा रहेगा। अमेरिका के इसी बयान के बाद चीन के तोता अखबार यानी चीनी सरकार की भाषा बोलने वाले सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स तिलमिला गया और अमेरिका पर बयानबाजी करने लगा। अच्छा। लेकिन उसने भारत से माफी मांग ली। चलिए अब जान लीजिए चीनी अखबार ने आखिर कहा क्या। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, उसे उम्मीद है कि भारत शांति से काम करेगा। चीन भारत के प्रति सद्भावना से भरा है और ईमानदारी से इस पड़ोसी के साथ सद्भावना के साथ रहना चाहता है, क्योंकि पड़ोसियों को हटाया नहीं जा सकता। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद का समाधान नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ दशकों ने साबित कर दिया कि जब तक दोनों पक्ष शांत और संयमित रहेंगे, ग्लोबल साउथ के दोनों प्रतिनिधियों भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दा बाधा नहीं बनेगा। चीन भारत संबंधों में सुधार और विकास दोनों देशों और उनके लोगों के साझा हितों में है। दोनों पक्षों को सीमा मुद्दे को ठीक से संभालना चाहिए और संयुक्त रूप से क्षेत्र में शांति बनाए रखनी चाहिए। ऐसे समय में जब अमेरिका इस जहरीले पेय की पेशकश कर रहा, नई दिल्ली को चीन की बातों पर विचार करना चाहिए। अमेरिका का ये बयान तौर पर तो भारत की मदद करता दिखाई देता है, लेकिन असल में ये भारत के हाथ में धीमा जहर दे रहा। क्या भारत इसे लेगा? हम उम्मीद करते हैं कि भारत शांत और संयमित रहेगा। भारत ने हाल ही में चुनाव के चलते चीन भारत सीमा मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। भारत में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी चीन भारत सीमा पर सख्त रुख अपनाकर अपने वोटरों को आकर्षित करना चाहती है। वाशिंगटन का ये बयान जहरीले पेय से बहुत ज्यादा नहीं है। वाशिंगटन को इस जहर के लिए कुछ खर्च नहीं करना होगा, बस अमेरिका को कुछ बयानों के अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन ये बहुत जहरीला है, ये सीमा पर हो रही वार्ता में दुस्साहस में बढ़ावा देगा। सोचिए, जो चीन अभी तक अरुणाचल को लेकर अपना प्रोपेगेंडा चलाता था और कहता था कि ये तिब्बत प्रांत का हिस्सा जंगनान है, आज वही चीन भारत के सामने झुक गया, क्योंकि चीन ये देख रहा कि अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा हो गया। तिब्बत के लोग भी भारत के समर्थन में हैं और आज पूरी दुनिया भारत के एक इशारे पर चीन के न जाने कितने टुकड़े कर दे, और यही वजह है कि चीन ने अब अरुणाचल में हार मान ली और भारत से शांति की बात कहने लगा। अब भारत ने चीन को आखिर कहा क्या, जरा ये भी सुन लीजिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन के दावों पर जवाब देते हुए कह दिया कि हमने चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर बेतुके दावों को आगे बढ़ाते हुए की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। इस संबंध में आधारहीन तर्क दोहराने से ऐसे दावों को कोई वैधता नहीं मिलती। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था और हमेशा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भारत के विकास कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से लाभ मिलता रहेगा। वैसे भारत ने तो ये तय कर लिया कि अगर चीन 1% भी हिमाकत करता है तो सीमा पर उसका टूटना तय है। और रही बात रूस की, तो अभी हाल ही में पीएम मोदी और रूसी प्रेसिडेंट के बीच फोन पर बातचीत हुई है, जो इस बात को बताता है कि रूस भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यानी अगर चीन ने अब हल्की सी भी आवाज की सीमा पर, तो भारत तिब्बत से लेकर ताइवान तक चीन को रुला देगा। बात अगर अरुणाचल प्रदेश की करें, अरुणाचल भारत का
अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा शुरू से था और आगे भी रहेगा। बस चीन को इससे आपत्ति है क्योंकि चीन को पता है अरुणाचल में अगर भारत विकास के कार्य करेगा तो भारत को उससे फायदा होगा और हो भी रहा। इसीलिए चीन कभी अरुणाचल के नाम बदलने की कोशिश करता है तो कभी अरुणाचल के खिलाड़ियों को अपने देश में खेलने की अनुमति नहीं देता। हालांकि भारतीय लोगों को चाहिए भी नहीं अरुणाचल में भारत के किसी भी नेता के आने का, चीन पूरा विरोध करता है, लेकिन भारत की ताकत के आगे चीन अब झुक गया। और इस बार ग्लोबल टाइम्स के बदले सुर ये बात साफ कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपनी नीति से पीछे हट रहा। खैर, आपका क्या कुछ कहना है? चीन के साथ क्या सलूक करना चाहिए भारतीय सेना को? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। सलूक जैसे किसी शातिर दुश्मन का करना होता है ना, वैसे ही करना चाहिए। वो चाल चल रहा है बेसिकली, क्योंकि उसको इस बात का धक्का लगा कि यहाँ यूएसए से, अमेरिका से ऐसी स्टेटमेंट आ गई कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का पार्ट है। उसको उससे उसको बड़ी तकलीफ हुई है, तो वो अब वो बैक ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है फॉर द टाइम बीइंग कि अभी मैं थोड़ा इस बात को संभाल लेता हूँ, बाद में उसने फिर आके यही काम करना। चाइना कभी भी अपना क्लेम अरुणाचल प्रदेश के ऊपर नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा उसके बातचीत से, वो कभी नहीं। छोटी मोटी बातचीत, स्टेटमेंट, अमेरिका बोले ना बोले, उनको फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका कुछ करेगा, फिर करेगा, वो कभी भी छोड़ेंगे, वो मिलिट्री प्रेजेंस ही छोड़ेंगे। जब उसको नजर आएगा कि इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, इंडिया के लोग वहाँ रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज वहाँ पे आ गई हैं और इंडिया के इतनी फोर्सेज हैं, कभी भी अटैक कर सकती हैं और भारी उसको लॉस होगा, तभी वो समझेगा ये छोटे मोटे बोलने से इन अमेरिका ने, वो अमेरिका भी कंट्रोल नहीं कर सकता चाइना को, वो उस स्टेट पे चाइना आ चुका है। ऑलमोस्ट चाइना और यूएस जो है इक्वल हो चुके हैं, तो अब लड़ाई झगड़े से ही जो भी होगा सॉल्व होगा, मतलब वॉर से ही होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि चाइना को समझ आ रहा है कि वो चाहता नहीं है कि अमेरिका वगैरह इसके बीच में आए, और उनको ये पता है कि इंडिया जो है अपनी फोर्सेस को इंक्रीज कर रहा है, मगर अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है बिटवीन दी टू कंट्रीज। एक का 18 ट्रिलियन है और एक का 4 ट्रिलियन है, बहुत जीडीपी में बहुत फर्क है और साइज भी वो 3 times बिगर है। तो अभी नहीं, मगर आप कह सकते हैं 10-20 साल में इंडिया काफ़ी हो जाएगा टक्कर लेने के। अभी भी अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए उसे बहुत लॉस होगा, तो डेटरेंस है अभी, मगर ये कि जैसे जिस तरीके से तेजी से हम आगे जा रहे हैं उससे उसको बहुत टेंशन आ रही है। नहीं, और चाइना बहुत प्लान करके बैठा हुआ है वो। yes. अभी इसलिए चुप बैठा है क्योंकि उसने पहले, उसका एजेंडा होगा कि हमने ताइवान लेना है, तब तक वो देखो यहाँ पाकिस्तान और इन सबके साथ मिलजुल के वो पूरा वो तैयारी करने की कोशिश में है कि मैं वो यहाँ पे प्रिपेयर हो जाऊं, ताकि उसके बाद जब वहां ताइवान ले लूंगा फिर यहाँ पे प्रिपरेशन जो सारी हो जाएगी, फिर इंडिया पे अटैक करूंगा। और जब भी ये जब स्टेटमेंट देते ना अरुणाचल प्रदेश की या चाइना इस टाइप से, उसको उसी टाइम स्टेटमेंट में ये बोलना चाहिए तिब्बत तुम्हारा नहीं है, उस स्टेटमेंट में ये डालना चाहिए कि तिब्बत इज नॉट योर पार्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बारी जवाब में तिब्बत को ये बोल के उनके, ताकि उनके दिमाग में भी कि वो कीड़ा डालते रहो कि तिब्बत तुम्हारा नहीं है, तिब्बत तुम्हारा नहीं है। अगर सब चुप रहेंगे तो तिब्बत उनका पूरा हो गया। बोलते रहने से भी फर्क पड़ता है, जैसे ये बोलता रहता ना कि मेरा ये पार्ट है, मेरा ये पार्ट है, मेरा ये पार्ट है, वो बोल बोल के करता है, वैसे हमें बोलना चाहिए तिब्बत नहीं है, तिब्बत नहीं है, हर स्टेटमेंट में ये देना चाहिए। तो चलो यार, अभिषेक अगर अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।